हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो कल जो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हम अपसेट डायरेक्शन के अंदर एक दे सकता है और एक अच्छे खासे ट्रेंड के साथ में एक अच्छा सा स्टॉक एज वेल एज वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव सेक्शन टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये जो वीडियो है वो जरूर एंड तक देखिएगा और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही हो ब्रेकआउट स्टॉक की तो यहाँ पर आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी अभी यहां पर हम चार्ट एनालिसिस करें वो भी डेली बेसिस पर, तो यहां पर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अगर अच्छी खासी लाइक्स और कमेंट आती है वीडियो पे तो हम निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी का भी चार्ट स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे वीडियो। जो यहां पर हमारा ब्रेकआउट स्टॉक रहेगा वो है यहाँ पर जीनस पावर, जो कि हम देख सकते हैं जीनस पावर इंफ्रा। यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर हमें आज के सेशन के अंदर देखने को मिला है 17-18%। अगर हम यहाँ पर ओपनिंग से भी अगर हम यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताएं तो 85.35 का लो और हाई बनाया, नियरली 103.8 का जो है यहाँ पर हमने स्टॉक का हाई बनाया है। हालांकि ये एंड सेशन के अंदर 103-102.5 के आसपास और एडजस्ट होकर 99.7 पर जरूर क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं डैडीज थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से कि किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो वन वीक की टाइम फ्रेम के हिसाब से जो क्लोजिंग दी है वो काफी पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात क्या, 2200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और उसी के साथ में 50% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो यहाँ पर मार्केट में सर्कुलेशन है नियरली, अगर हम देखते हैं बड़ी इंस्टीट्यूशन को भी काउंट करें तो भी यहाँ पर सर्कुलेशन है 1100 करोड़ के नियर बाय पर। और यहाँ पर अगर आप आज के इस कंपनी के अगर ओपन ऑर्डर्स भी देखते हैं तो वो नियरली 143 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, वो भी बाय साइड पर। सो यहाँ पर कल के सेशन के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर बरकरार रहता है, अगर हम यहाँ पर आज के सेशन के हिसाब से देखें तो अबोव 104 अगर यहाँ पर सस्टेन करता है और एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अगर वॉल्यूम सेक्शन एक पॉजिटिव रहता है तो काफी अच्छा सा बुलिशनेस यहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं इस स्टॉक को अगर 15 मिनट के टाइम कैंडल के हिसाब से भी देखता हूं तो जो क्लोजिंग हुई है वो भी काफी बेहतरीन हुई है। हालांकि एट द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पर एडजस्टमेंट थोड़ा नीचे जरूर हुआ है, बट यहाँ पर जो मोमेंटम रहेगा पॉजिटिव यहाँ पर हूं मैं। अगर यहाँ पर 104 या 105 के ऊपर भी अगर ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है 915 के बाद तो काफी पॉजिटिव रैली यहां पर हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। सो यहां पर कल के लिए दैट इज 19th अप्रैल के लिए यही स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा कल के स्टॉक के लिए। यहां पर आप वॉच कर सकते हो स्टॉक के अंदर किस तरह से रैली आती है। अगर आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए भी स्टॉक को जो है यहां पर आप कल वॉच आउट कर सकते हो। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एज वेल एज अर्निंग पर्पस के हिसाब से भी ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।